स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में विशाखापट्टनम पोर्ट यानी वाइजाग पोर्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम समझेंगे कि पोर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, वहीं ईस्टर्न कोस्ट पर मौजूद वाइजाग पोर्ट का इकोनॉमिक, सोशल और इंटरनेशनली क्या सिग्निफिकेंस है। अर्थ पर कई ज्योग्राफिकल फीचर्स मौजूद हैं, माउंटेन्स, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक, सी और ओशंस। लेकिन ओशंस और सीज अर्थ पर सबसे बड़ा पोर्शन कवर करते हैं, करीब 71% पृथ्वी पर समुद्र है। इसका एक सबसे बड़ा फायदा है मैसिव कार्गो ट्रांसपोर्टेशन। कंटेनर शिप्स एक बार में इतना कार्गो कैरी कर सकते हैं जो ऑनलोड व्हीकल्स, ट्रेन्स और एरोप्लेन्स के जरिए इम्पॉसिबल है। पोर्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन हब्स हैं जो गुड्स और कार्गो मूवमेंट को स्मूथली फैसिलिटेट करते हैं, जिससे लोकल बिजनेसेस और कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड मार्केट से जुड़ पाती हैं। पोर्ट्स गुड्स से कंज्यूमर को जोड़ते हैं, साथ ही साथ वो हाईवे सिस्टम्स, रेलवेज और एयर ट्रांजिट और डोमेस्टिक मरीन हाईवेज को भी ग्लोबल मार्केट से लिंक करते हैं। इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट के अलावा पोर्ट्स नेशनल सिक्योरिटी और इमरजेंसी के लिए भी काम आते हैं। इन्हें वक्त पड़ने पर टैक्टिकल और सिक्योरिटी रीजंस या इमरजेंसी पीरियड में रेस्क्यू आदि कामों के लिए अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। पोर्ट्स को हिंदी में बंदरगाह भी कहते हैं। आज इंडिया में 13 मेजर और 205 माइनर पोर्ट्स मौजूद हैं। इन सभी पोर्ट्स में से कुछ बेहद इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण पोर्ट्स में से एक है वाइजाग। दोस्तों इमेजिन करिए कि आप अपने पूरे मन के साथ अपनी यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत करते हैं। आपने आज के दिन का टारगेट रखा है कि आपको इकोनॉमिक्स के 5 नए कॉन्सेप्ट्स को समझना है और आपने पूरे जोश के साथ अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए आज की पढ़ाई शुरू करी। पर बीच राह में आपको एक डाउट आ जाता है। अब यहां से आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप अपने डेली टारगेट्स को साइड में रख के उस डाउट के पीछे अपना पूरा दिन जाया कर दें और YouTube में एक वीडियो से दूसरी वीडियो की तरफ भटकते रहें, या फिर आपके पास कोई ऐसा मेंटोर हो जो घर बैठे बैठे WhatsApp या मेल्स के थ्रू आपके डाउट्स को क्लियर कर दें। तो इन दोनों में से आप किस रास्ते पे चलना पसंद करेंगे? वेल, यू कैन आस्क कि सर, 1-to-1 मेंटोरशिप किसको पसंद नहीं है, पर आज के समय में एक रिलायबल मेंटोर को ढूंढना क्या इतना आसान है या फिर पॉसिबल भी है? मेरा जवाब होगा बिल्कुल पॉसिबल है। स्टडी आईक्यू के यूपीएससी प्री प्लस मेंस के फाउंडेशन बैच के साथ, जिसकी शुरुआत 11th जुलाई मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। अगर आप इवनिंग बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है 20th जून से। इन बैचेस में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप के साथ लाइव क्लासेस और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स से ग्रुप मेंटोरशिप जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। और दोस्तों अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं तो ये सब कुछ आपको 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट में मिल जाएंगी। तो अब आप भी पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। विशाखापट्टनम एक एंशियंट पोर्ट सिटी रही है जिसके द्वारा मिडिल ईस्ट और रोम से ट्रेड रिलेशंस रहे हैं। सदियों पहले यहाँ छोटी मसूला बोट से कार्गो ट्रांसपोर्ट होता रहा। आंध्र प्रदेश के श्री भीमेश्वरा स्वामी टेम्पल में रखे इंस्क्रिप्शंस में विशाखापट्टनम मर्चेंट का रेफरेंस मिलता है। 12th century AD में वाइजागपट्टनम एक फोर्टिफाइड मर्चेंडाइज बन गया था जिसे गिल्ड मैनेज करता था। 1682 में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक ब्रांच यहाँ सेटल हुई। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 1882 से 83 के बीच वाइजागपट्टनम या भीमुनीपट्टनम से 83 लाख रुपीस के गुड्स मूव हुए थे। उस वक्त यहाँ से ट्रेड होने वाली कॉमोडिटीज में ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश के उपड्डा से मुस्लिन के कपड़े और सेंट्रल प्रोविंस से मैगनीज ओर सबसे इम्पोर्टेंट थे, जो यूके और यूएसए एक्सपोर्ट किए जाते थे। इसके अलावा ऑयल सीड्स, जागरी, जूट और इंडिगो के साथ साथ हाइट्स और स्किन्स भी इम्पोर्ट एक्सपोर्टेबल गुड्स ट्रेड होते थे। वाइजाग का बर्मा यानी म्यांमार के साथ एक्सटेंसिव ट्रेड रिलेशन रहा है। धीरे धीरे इस पोर्ट को इम्प्रूव करने की इम्पोर्टेंस बढ़ी क्योंकि यहाँ ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के वेसल्स रेगुलरली डॉक होते थे। 1958 में ब्रिटिश सर्वे पार्टी ने इस रीजन में एक मेजर पोर्ट बनाने को लेकर एम्फसाइज किया था, लेकिन इस पोर्ट का डेवलपमेंट वर्ल्ड वॉर वन यानी 1914 से 18 के बाद ही हो पाया, जब ब्रिटिश एडमिरल्टी के कर्नल एच कार्टराइट रीड ने प्रपोजल दिया कि विशाखापट्टनम में एक पोर्ट बनाना चाहिए और गवर्नमेंट इस प्रपोजल को अप्रूवल दे। इवेंचुअली दिसंबर 1933 को इस पोर्ट को पूरा कर लिया गया और तब से ये इंडिया को एक मेजर पोर्ट की तरह सर्व कर रहा है। इस हार्बर का यूनिक फीचर है कि ये आइलैंड ब्रेक वाटर में बनाया गया था। ये इंडिया का एकमात्र नेचुरल हार्बर या पोर्ट है। इसे बनाने में WC एश
और डीबी रैटनबेरी नामक इंजीनियर्स ने काम किया था। ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, इनर और आउटर, जहां इनर हार्बर में 100 हेक्टेयर जमीन पर 21 बर्थ यानी आसान भाषा में लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट्स हैं। वहीं आउटर हार्बर 200 हेक्टेयर वाटर स्प्रेड के साथ 6 बर्थ्स प्रोवाइड करता है। वाइजैग पोर्ट इंडिया के लीडिंग मेजर पोर्ट्स में से एक माना जाता है। यहाँ आने वाले कार्गो वेसल्स में से बल्क कैरियर 51%, ऑयल केमिकल टैंकर 7%, कंटेनर शिप 6%, एलपीजी टैंकर 4% और क्रूड ऑयल टैंकर 4% है। इसके अलावा बाकी अन्य तरह के शिप्स भी शामिल हैं। ईस्टर्न कोस्ट पर यह चेन्नई और कोलकाता के बीच में लोकेटेड है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इसकी लोकेशन इंडिया के लिए एडवांटेज रखती है। ये एशिया और एशिया पैसिफिक रीजन में इकोनॉमीज के साथ मैरिटाइम ट्रेड करने में हेल्प करने के साथ साथ पर्शियन गल्फ, यूरोप, अमेरिकाज और अफ्रीका तक भी कार्गो शिपमेंट प्रोवाइड करता है। ये पोर्ट नेपाल का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यानी एक्जिम के लिए गेटवे पोर्ट नोटिफाई किया गया है। बनने के करीब 90 ईयर्स के बाद आज ये पोर्ट आयरन ओर, कोल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एलपीजी, फर्टिलाइजर्स, ड्राई कार्गोज, लिक्विड कार्गोज और कंटेनर्स जैसे कार्गोज हैंडल करता है। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2019 के बीच इस पोर्ट की कैपेसिटी 67 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम यानी एमएमटीपीए से 127 एमएमटीपीए हो चुकी थी। हालांकि फुल कैपेसिटी पर काम नहीं हो सका है। इस साल विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट का टारगेट 72 मिलियन टन तक कार्गो हैंडल करना बताया जा रहा है। 2021 से 2022 में इस पोर्ट पर 69.03 मिलियन टन कार्गो हैंडल हुआ है, जिससे ये देश के सभी पोर्ट्स में फोर्थ स्पॉट पर आता है। 2020 से 2021 में यहां से 69.84 मिलियन टन कार्गो हैंडल हुआ था, क्योंकि दोस्तों पिछले दो सालों में पैंडमिक कंडीशंस के बाद अब इंडिया और बाकी दुनिया का ट्रेड धीरे धीरे रिज्यूम हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना वाइजैग पोर्ट यानी विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में, जिसने प्री इंडिपेंडेंस एरा से ही भारत के गुड्स को बाकी दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। दोस्तों आपके हिसाब से करंट मॉडर्न एरा में इंडिया की इकोनॉमी में वाइजैग पोर्ट किस तरीके से अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।